बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 9:53, ऐसा आप यहाँ देख सकते हो। और हाँ, मैं अभी रेडी होगी स्कूल जाने के लिए। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह से मैं खाना बनाने में बिजी क्योंकि इसके पापा आज बहुत जल्दी चले गए हैं 9:15 से। हाँ, मैं पूरा आश्चर्य चकित हो गए, पापा इतने जल्दी क्यों गए। दाल में कुछ काला है, मीटिंग है। ठीक है, तो मम्मी अभी मेरा जूता पॉलिश कर रही हूँ। और अभी मेरा वैन आने ही वाला है क्योंकि मेरा वैन 10:05 से आ जाता है। तो और आज लंच में क्या लिए हो? आज लंच में मैं ली हूँ, क्या ली हूँ, आलू फ्राई पराठा एंड हलवा। मैं ली हूँ आलू फ्राई पराठा एंड हलवा। मेरी मेरी रहने तो मैं फोन देख, दोस्तों लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दे। मैं तो अभी जिस साइड मेरे फ्रेंड्स लोग बैठते थे वो मैम ने चेंज कर दिया, उस साइड अब बॉयज बैठ, तो उसके अलग साइड है। आज मैं घर लोगों को नहला दूंगी थोड़ा। ठीक है, तो अभी मेरा वहन आ जाएगा और मैं जाऊंगी स्कूल, तो मैं आप लोगों से मिल लूँ स्कूल से आने के बाद। अभी टाइम हो रहा है 6:00 और मैं स्कूल से वापस कब का आ चुकी हूँ। एंड सॉरी गाइस, मैं व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मैं टोटली भूल गई थी कि व्लॉग बनाना। और यहाँ मैं मैगी का प्लेट भी चाट चाट के खा चुकी हूँ। एंड अभी मैं जाऊँगी रेडी होने ट्यूशन के लिए। सो चलो मैं रेडी होके आती हूँ एंड फिर आप लोग उससे बातें करते हैं। और आज लाइक पता नहीं क्या हुआ, हमारे प्रिंसिपल मैम स्ट्रेट अप हमारे क्लास को नहीं, हर एक क्लास को गई, मतलब स्टैंडर्ड लाइक स्टैंडर्ड 2-3 बच्चों के पास भी गई, कोई चॉकलेट लाया है क्या? मेरे पॉकेट में एक कॉपी को पड़ा था जो कि मुझे अपनी खुद की दोस्त ने दिया था, तो मैंने बोला नहीं कि मेरे पॉकेट में कॉपी को, क्यों बोलती बेकार, वो कॉपी को चॉकलेट नहीं है, टॉफ़ी है। चॉकलेट और टॉफ़ी में डिफरेंस होता है, राइट। सो मैं आ गई हूँ चेंज करके एंड अभी टाइम हो रहा है 6:10 एंड मैं सोच रही हूँ चलो जल्दी चले ही जाते हैं, वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ये अभी तो मैंने किचन में नहीं रखा था, मैं रख के आती हूँ वरना मम्मी मुझे मार डालेगी। तो मैं आ गई वो रख के, और मम्मी अभी चलने गई होगी तो मैं भी चलो निकलती हूँ ट्यूशन के लिए एंड आप लोगों से मिलती हूँ ट्यूशन से आने के बाद। सो फ्रेंड, प्रियांशी तो ट्यूशन चली गई है और वो आज बोल रही है कि कल उसके स्कूल में रिवीजन टेस्ट है, दो सब्जेक्ट का है, साइंस का और SST का। तो आके ट्यूशन से फिर रात के लेट नाइट तक पढ़ाई करेगी। एंड मैं उसके लिए बना रही हूँ भेज मंचूरियन आज, ये पकौड़ा तल चुकी हूँ, इधर सारा प्रिपरेशन कर ली हूँ क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पत्ता गोभी और फूल गोभी ज़्यादा मिल रहा है लेकिन उसका सब्जी बनाने से प्रियांशी नहीं खा रही है। सो इसीलिए मैं भेज मंचूरियन बना रही हूँ और इधर मैं आटा गूंद के रख दी हूँ, लच्छा पराठा बनाऊँगी तो वो खाएगी और कल सुबह भी वो लेके जाएगी, इसीलिए मैं रात को यही बना रही हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता। सुबह उसके पापा के लिए बनाओ, उसके लिए बनाओ तो बहुत जल्दी मतलब चला जाता है टाइम। गई हूँ और आप लोग बोल रहे थे कि स्टडी व्लॉग करना, तो आज फाइनली मैं ये व्लॉग को एक स्टडी व्लॉग बनाने वाली हूँ। मतलब अभी खाने के बाद मेरा कल टेस्ट है और होमवर्क भी है, तो दोनों कंप्लीट करेंगे हम। और आज खाने में बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो चीज़ है हलवा, तो नहीं है, मम्मी अभी देगी मंचूरियन पराठा, लच्छा पराठा और ये चिप्स। और अभी गाजर का हलवा भी आ रहा है, गाजर का हलवा भी मम्मी देगी, मंचूरियन लच्छा पराठा और ये चिप्स सुपर मेसी, हमारा गाजर का हलवा। तो चलो मैं मेरा खाना एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ पढ़ने टाइम में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोली थी आज का जो व्लॉग होगा वो काइंड ऑफ हमारा स्टडी व्लॉग होगा। तो हाँ, मेरा रिविजन टेस्ट का मुझे प्रिपरेशन करना है, तो मैं मेरा नोटिस बोर्ड में भी लिख दी हूँ कल मेरा उड़िया का, साइंस का, रेसिस्टी का। साइंस का तो मैम ने बोला कि उड़िया का मैं पढ़ा दूंगी तुमको। हाँ, और साइंस का मैम ने बोला कोई भी चैप्टर से पूछ लूँगी उनके मन मर्जी से पूरा, तो इसलिए
साइंस का तो मेरे सारा चैप्टर रहा है, बस कुछ चैप्टर जो लेंदी चैप्टर है जो कि है मैटर एंड इट्स नेचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, स्टडी ऑफ चेंज हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, बहुत सारा मेरा खत्म हो चुका है। ट्यूशन में भी रिवीजन हो गया और अभी तो हमारे स्कूल में भी पोर्शन खत्म हो गया, तो मैम आके क्लास में बोलती है कि रिवीजन करो, तो इसलिए हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर मैम बोलती हैं तो वही हम लोग रिवीजन करते हैं। तो लाइक ओवरऑल घर में मुझे ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे स्कूल में और ट्यूशन में दोनों जगह रिवीजन चल रहा है। कितना रिवीजन करेंगे इंसान, रिवीजन कर करके चश्मा भी लग गया है मुझे। हाँ इतना रिवीजन की मैं, इतना रिवीजन की जितना रिवीजन किया जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना रिवीजन किया जा सकता। मंचूरियन बनाया लेकिन मैंने पराठा नहीं खाया। क्यों कि क्यों लाइक क्यों व्हाई? मुड़ी खाई थी, मुड़ी खाई थी खाली। तो हमारा ट्रायंगल का, ज्योमेट्री का ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल दोनों का सर ने एक्सरसाइज दे। तो ट्रायंगल का तो हम लोग कर सकते हैं, और आज रात के 12 बजे तक हम काम करने वाले हैं। मतलब मैं पढ़ने वाली हूँ, मैं प्रियांशी पढ़ने वाली है और मैं अपना, प्रियांशी आज फ्री है मतलब वीडियो एडिटिंग से, मम्मी एडिटिंग करने वाली है आज मेरा कल का वीडियो, तो आई एम फ्री फ्रॉम एडिटिंग, तो आई हैव टू डू मैथ्स। मुझे करना पड़ेगा होमवर्क, करना पड़ेगा होमवर्क, करना, अरे गिर गिर मेरा, बच्चों को करना पड़ेगा होमवर्क। क्या है ये गाना, तो, क्या गाना है ये? नहीं तो क्या, मैं गाना बना रही हूँ। हाँ वो बोलो बोलो बोलो। नहीं तो मम्मी से पड़ेगी डांट और स्कूल में पड़ेगी डांट, दोनों जगह से तो डांट पड़ेगा। करना पड़ेगा खाएगा आलू जिसको मम्मी बनाएगी पराठा। अरे मम्मी एक्चुअली मुझे दूर लिखा पढ़ नहीं पा रही, इधर से मैं क्या नहीं पढ़ पा रही पता है? वो डेटॉल के उस साइड में जो ब्लू कलर फॉन्ट में लिखा है वो तो मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, लाइन से वो पास लाने से नहीं पढ़ पा रही। और डेटॉल के जो नीचे नीचे लिखा है प्रोटेक्शन और थोड़ा थोड़ा वो भी नहीं लिखा है, और वो फेविकॉल के MR के नीचे जो लिखा है वो तो मुझे भी नहीं दिख रहा है जमा, और वो ये पेन के यहाँ जो लिखा है। हाँ वैसे छोटे छोटे वो नॉर्मल होता है बेटा, बच्चों को दूर से नहीं दिखने वाला, ठीक है वो पास से दिखता है। तो मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। नहीं ये ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ मैं ही पागल हूँ, मुझे इतना दूर से दिख नहीं रहा। मुझे तो भी नहीं दिख रहा ना, डेटा के नीचे क्या लिखा है मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं पढ़ सकती हूँ। तुम पढ़ सकती हो? Kill 99.9% of germs without. Oh, your eyes is perfect, good. Yeah, ma. मैं जीत गई। चलो ठीक है होमवर्क कर। जैसे कि आपको पता है अभी मुझे मम्मी पढ़ा भी दी थोड़ा मेरा उड़िया, और लाइक और मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइक मैं पूरा थक गई, पूरा एग्जॉस्ट हो गई, मैंने मेरा होमवर्क भी अभी तक नहीं किया मैथ का, तो कल सुबह जैसे भी हो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ बट नाउ आई एम लाइक सीरियस राइट नाउ, तो मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और लाइक मम्मी ऑलरेडी मेरा काम एक कर रही है, मेरा एडिटिंग कर दे रही है, तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट मम्मी। वहाँ कर रही है मम्मी सोफा में बैठ के। एंड हाँ मैं आज का वीडियो यहीं एंड कर देना चाहती हूँ, एंड धन्यवाद आप सभी को आज का ये व्लॉग देखने के लिए। अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय 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 गाइस।
बाय।